होते हैं मल्टीसेलुलर फंजाई को प्रोड्यूस कर देते हैं, सिंगल होती है
लेकिन जो उसके हाई को प्रोड्यूस कर दे वो मल्टीसेल्युलर एंजाइम को फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और उसको फिर बाद में हम क्या बोलते हैं, जिसके हाई को होते हैं क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है, एम वाई सी ई डबल एल आई यू एम, माइसीलियम। देखो ईस्ट लाइक फंजाई डू नॉट फॉर्म, ईस्ट लाइक फंजाई डू नॉट फॉर्म, यस कमिंग, व्हाट इज योर नेम, उदयवीर सिंह, ओके कमिंग, बी फॉर्म ना, ईस्ट लाइक फंजाई डू नॉट फॉर्म माइसीलियम, ईस्ट लाइक फंजाई डू नॉट फॉर्म माइसीलियम, they partly grow as yeast, they partly grow as yeast and partly as dung filaments. Yeast like fungi do not form mycelium, they partly partly grow as yeast and partly PARTLR partly as long filaments. ठीक है, इसका कॉमन एग्जाम्पल लिखो, तो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेनिक इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ pathogenic is like fungus is candida albicans, candida albicans, C-A-N-D-I-D-A, candida A-L-B-I-C-A-N-S, albicans. Common example of the pathogenic is the candida albicans, ठीक है। Yes, come in. Next heading डालो, rickettsial, R I C K E double T S I A S, rickettsial. देखो इसमें दे आर सिंपल यूनिसेलुलर ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे रिकेट्सियास होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं और सिंगल सेल होते हैं और क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। हमारी स्टैंडिंग होती है दो टाइप की होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो किससे हमें फील होते हैं, ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना। दे आर सिंपल यूनिसेलुलर ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे मे बी रोड शेप, दे मे बी रोड शेप, ये रोड शेप के भी हो सकते हैं और स्फेरिकल शेप भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप या रोड शेप के हो सकते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनके बीच की प्रॉपर्टी होती है ये, ना तो ये इसलिए छोटे होते थे बैक्टीरिया है, छोटे होते थे वायरस, ठीक है। इंटरमीडिएट शेप में होते हैं ये, मतलब की बीच वाले पोर्शन में आता है ना, बैक्टीरिया भी नहीं है, वायरस शेप में भी नहीं है, किसका इंटरमीडिएट है। लिखो, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, रिकेट से आर इंटरमीडिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, रिकेट से आर इंटरमीडिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस,
between bacteria and viruses. Next line से लिखो they differ from viruses. They differ D I double F E R differ from viruses in many ways, including chemical ways, WAYS ways, including chemical, comma metabolic and reproductive and structural differences. Reproductive and structural differences. Reproductive and structural differences. ठीक है, जो हमारे ये रिकेट्स होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत जो वायरस होते हैं उसे बहुत कई अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि केमिकल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है बहुत अलग होता है इससे वायरस से. ठीक है, लिखो दे आर पैरासाइट्स. दे आर पैरासाइट्स. दे आर पैरासाइट्स which can grow only in living tissues. There are parasites which can grow only in living tissues. ये कैसा parasites होते हैं जो इसमें grow करते हैं living tissues में. ठीक है, इसको हम क्या lab में नहीं grow करा सकते. हम virus को क्या करते हैं lab में grow कराते हैं media बनाने के through. ठीक है, लेकिन जो रिकेट्सियाज होते हैं हमारे उनको हम लैब में ग्रो नहीं करा सकते. लिखो दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन. दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन लेबोरेटरी मीडिया. दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन लेबोरेटरी मीडिया बट कैन बी कल्टीवेटेड ऑन टिश्यू कल्चर मीडिया. They reproduce by asexual process. ये asexual process की तरह reproduce करते हैं. ठीक है, इनमें asexual reproduction होता है. They reproduce by asexual process. That is fission. 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 ठीक है, क्या करते हैं ये लेबोरेटरी में मीडिया के थ्रू हम इनको ग्रो नहीं करा सकते, लेकिन कल्टीवेटेड टिश्यू कल्चर के थ्रू हम इनको ग्रो करा सकते हैं. ठीक है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इसका एग्जांपल होता है फिशन. ठीक है, लिखो दे कंटेन. इनमें क्या क्या होती है, दे कंटेन प्रोटीन. क्या नहीं मैडम, तीन चीज बैठे पूछ रहा हूँ. दे कंटेन प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड एंजाइम्स. ठीक है, इनमें क्या क्या होता है, प्रोटीन होती है, न्यूक्लियर प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स और एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, आप लिखो माइकोप्लाज्मा एम वाई. हेडिंग लिखो माइकोप्लाज्मा एम वाई सी ओ पी एल ए एस एम ए एस माइकोप्लाज्मा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द सेल साइज रेंजेस फ्रॉम
इनका जो साइज होता है कितना होता है, द सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.15 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. द सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.15 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है, ये माइक्रोमीटर का मतलब लिखते हैं ठीक है, और इन डायमीटर डीएम. माइक्रोमीटर इन डायमीटर धन इन साइज, धन इन साइज पीएचयूएस, धन इन साइज माइक्रोप्लाज्मा पीयर्स. मतलब साइज में माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो किससे छोटे होते हैं, वायरस इससे भी छोटे होते हैं ठीक है. धन इन साइज माइक्रोप्लाज्मा पीयर्स टू बी इवन स्मॉलर देन सम वायरसेस, to be even smaller than some viruses. ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज कितना होता है 0.15 से लेकर 1 माइक्रोमीटर होती है डायमीटर में ठीक है ना. और इनका जो साइज होता है क्या होता है, कुछ वायरस से भी छोटे दिखते हैं ठीक है. लिखो, सिंस दे डू नॉट पॉसेस Since they do not possess a true cell wall, thus they do not possess a true cell wall. Since they do not possess a true cell wall, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, true cell wall नहीं होता ठीक है. देखो, they give rise to RISE, rise to coccoid, 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 granular, filamentous, cluster like, CLUSTR, cluster like, ring shape, RING, ring shape, etc. They are also found in the soil and drainage water. ये soil में पाया जाता है और पानी चलता है, पानी होता है उसमें भी ये पाया जाता है. कौन? Mycoplasma. ठीक है. Since they are also found in the soil. They are also found in the soil and drainage water. DRAINAGE, drainage water. The disease caused by different mycoplasma include primary typical pneumonia and genital infections, GENITAL, genital infections. Besides these diseases, mycoplasma are also associated with. ये हमारे जो यूरेथर्स होता है ना उसमें भी पाया जाता है ठीक है, सर्वाइकल में पाया जाता है, वजाइना में पाया जाता है, और इनफर्टिलिटी और जो अबॉर्शन के टाइम पाया जाता है ठीक है, और जब हम किसी का पोस्टमार्टम करें तब पाया जाता है, और पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ये मतलब हमें कोई इन्फेक्शन डिजीज हो रहा है तब भी क्या होता है, माइकोप्लाज्मा फाउंड होता है ठीक है. लिखो, बिसाइड दिस डिजीज माइकोप्लाज्मा आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद urethritis, 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 comma, cervicitis, cervicitis.
कॉमा वैजिनिटिस VAGINITIS वैजिनिटिस कॉमा इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी कॉमा अबॉर्शन कॉमा पोस्टमार्टम फीवर एंड इंफ्लेमेटरी डिजीज फीवर एंड इंफ्लेमेटरी डिजीज फीवर एंड इंफ्लेमेटरी डिजीज समझ आ गया सबको ईस्ट क्या होती है क्या रिकेट चार्ज होते हैं और क्या माइकोप्लाज्मा होता है ठीक है बंटी बंटी समझ आया पढ़ लेना अच्छे समझ आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट लिखो हमारा प्रोटोजोआ होता है प्रोटोजोआ पहले पढ़ना लेकिन हम उसको डायग्रामेटिक के लिए समझाएंगे तो पहले फर्स्ट लिखा प्रोटोजोआ PROTOZOA प्रोटोजोआ जो वर्ड प्रोटोजोआ है हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है ठीक है लिखो द वर्ड प्रोटोजोआ इज डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स प्रोटोज PROTOS प्रोटोज प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट मतलब कि पहले ठीक है सिद्धार्थ प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट एंड जून का मतलब होता है Z-O-N-Zoon लिखो एंड जून इसका मतलब होता है एनिमल ठीक है द वर्ड प्रोटोजोआ इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटोज मतलब फर्स्ट एंड जून इज एनिमल मतलब कि पहला जानवर ठीक है प्रोटोजोआ मतलब हुआ फर्स्ट एनिमल कहां से लिया गया है कहां से डिराइव करा है प्रोटोजोआ वर्ड ग्रीक वर्ड ठीक है जिसका मतलब होता है प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट एंड जून का मीनिंग होता है एनिमल ठीक है तो मतलब कि फर्स्ट एनिमल दे आर द लोवेस्ट एंड सिंपल फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ दे आर द लोवेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ क्या होता है लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एनिमल लाइफ का दे आर द लोवेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ लिखो दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर लाइटली ऑर्गेनाइज्ड देन बैक्टीरिया मोर लाइटली ऑर्गेनाइज्ड देन बैक्टीरिया दे हैव प्रोटोप्लाज्म क्लियरली डिफरेंशिएटेड दे हैव प्रोटोप्लाज्म क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दे हैव प्रोटोप्लाज्म clearly differentiated into our nucleus and cytoplasm. Time se aaya karo college theek hai. इनमें क्या होता है प्रोटोप्लाज्म होता है वो अलग अलग तरीके से बिल्कुल क्या है उसकी जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है डिफरेंशिएटेड रहता है ठीक है जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया से यूनिसेलुलर क्या होता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब का समझ नहीं आया मनीष यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ठीक है मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल सॉरी सर ठीक है ना सेल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में पाई जाती है उसके बाद हम क्या होते हैं सब क्या है मल्टी सेलुलर हमारे अंदर क्या है बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं
कुछ क्या होते हैं मल्टीसेलुलर पार्ट्स है। तो जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या है यूनिसेलुलर है, मतलब कि सिंगल सेल है। ठीक है बैठो। तो ये हमारे जो वर्ड होते हैं तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए, तो आपको समझ आएगा कि क्या हम क्या वर्ड है। आपको यही नहीं पता होगा कि यूनिसेलुलर क्या है मल्टीसेलुलर, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको। लिखो प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय, जो प्रोटोजोआ होते हैं हमारे सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली भी कर सकते हैं, सिंपल और मल्टीपल डिवीजन के साथ भी कर सकते हैं। डिवीजन होता है सेल का, जो एक सेल छूट के बनी बहुत सेल में, या तो एक सेल से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल्स डिवाइड हो रही है, पढ़ा है ना अमीबा पैरामीशियम वगैरह, ट्वेल्थ क्लास पढ़ते हैं सब, ठीक है। तो फिर क्या होता है डिवीजन होता है सेल्स का, तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है, सिंपल और डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। देखो प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली कॉमा असेक्सुअली, सिंपल एंड मल्टीपल डिवीजन। किसका कौन वाइब्रेट हो रहा है, कौन कोई वाइब्रेशन पे नहीं रखेगा, कोई जनरल पे नहीं रखेगा, सिर्फ साइलेंट रखना है, ठीक है। लिखो द ऑर्गेनिज्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ, द ऑर्गेनिज्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसकी उससे मतलब हेल्प से मूव करते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है, जिसमें बी हमारा क्या रहेगा साइलेंट रहेगा, स्यूडोपोडिया और सीलिया, सी आई डबल एल आई ए सीलिया। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके हम अपने पैर चलते हैं ना, तो ये स्यूडोपोडिया या फिर सीलिया के उसका सहारा लेकर चलते हैं, ठीक है। देखो द ऑर्गेनिज्म नो फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया सीलिया कॉमा फ्लैजिला, कॉमा फ्लैजिला एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स। स्यूडोपोडिया सीलिया फ्लैजिला एंड अंडुलेटिंग यूएन undulating membranes under unfavorable conditions, ये unfavorable conditions में क्या करता है, चल भी सकता है और reproduce कर सकता है, ठीक है। कभी कभी किसी को चाहिए होती है कि favorable condition, लेकिन जो protozoa है वो unfavorable conditions में भी अपने आप को क्या कर लेता है, survive कर सकता है, ठीक है। under unfavorable conditions देखो सब स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोआ, सॉरी सब स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोआ में फॉर्म, जो हमारे कुछ स्पीशीज होते हैं प्रोटोजोआ के, उनकी जो शेप होती है वो राउंड हो सकती है, थिक वॉल्ड हो सकती है, ठीक है, और सिस्ट की फॉर्म हो सकती है, मतलब कि राउंड, ठीक है। सब स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोआ में फॉर्म राउंड which are more resistant form for survival and spread of the organism, and spread of the organism. And spread. Spread of the organism. Which are more resistant? R-E-S-I-S-T-A-D resistance forms for survival and spread of the organism. कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फेक्शन है प्रोटोजोआ से होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, राइट डाउन लिखो द इंपॉर्टेंट ह्यूमन प्रोटोजोआल इन्फेक्शंस।
the important yeomine protozoal infection include malaria. हमें मलेरिया भी हो सकता है, ठीक है, एमोबियासिस हो सकता है, ए एफ ओ बी आई ए एस आई एस एमोबियासिस, लेशमैनियासिस आर एल ई आई एस एच आर नहीं आएगा एल है सॉरी एल ई आई एस एच एम ए एन आई ए एस आई एस लेशमैनियासिस, टोनोप्लास्मोसिस टी ओ एन ओ पी एल ए एस एम ओ एस आई एस टोनोप्लास्मोसिस एंड जी आई डी एस जी आई ए आर डी आई ए एस आई एस जी आई डी एस, इन सब डिजीज के बारे में पढ़ के आना कल को कि क्या कौन सा डिजीज क्या होता है, ठीक है। मलेरिया सबको पता होता है, जेडिसिस में क्या होता है, हमारी टांग होती है या कोई हमारे जो शरीर होता है वो फूल में लगता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। टोनोप्लास्मोसिस और लेशमैनियासिस पढ़ के आना क्या चीज कौन कौन से डिजीज क्या होते हैं, ठीक है, और किसकी वजह से होते हैं, ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ में क्या होता है, ग्रीक वर्ड से क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, इसका मीन होता है फर्स्ट एनिमल, प्रोटोज मीन क्या होता है फर्स्ट, और उसका मीन क्या होता है एनिमल, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सिंगुलर सेल होते हैं, और इनमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली होता है, सिंपल और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल डिविजन के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, जो ये किसकी हेल्थ चलता है, सूर्यपोडिया सीलिया और फ्लैजिला के हेल्थ से क्या करते हैं, चल सकते हैं, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस और अनफेवरेबल कंडीशंस, ये क्या होता है इसका मीनिंग, आप बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ है, आप मतलब बिना कुछ अपनी प्रिकॉशन ले कर सकते हो सर्वाइव, नहीं कर सकते ना, तो वो होती है हमारे लिए, हमारे तो अनफेवरेबल कंडीशन है, अभी तो क्या है तुम्हारे लिए, रूम बिल्कुल हीटर आ जाए, यहाँ बिल्कुल बर्फ हो जाए, इसमें तुम सर्वाइव कर लोगे, तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन थी, ठीक है। तो ये पता होता है फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ईस्ट क्या होता है हमारा, सिंपल होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, और ये होता है, और किससे करता है, इसको बाद में क्या बोलते हैं, हाइफेंट माइसीलियम, ठीक है ना। उसके बाद हमारा होता है रिकेट्स, क्या होते हैं हमारे, सिंपल होते हैं, ये भी ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और किस शेप में होते हैं, रॉड स्फेरिकल और पिरामिडल शेप में होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, किसके बीच का, बैक्टीरिया और वायरस के, ना तो ये बैक्टीरिया के जितने बड़े होते हैं, ना वायरस के जितने छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है, ना तो ये बैक्टीरिया में ही काउंट हो रहे हैं, ना वायरस में ही हो रहे हैं, क्या है ये, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, हमारे माइक्रोप्लाज्मा होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका साइज होता है 0.15 से लेकर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, ठीक है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया मैंने इनके, कहाँ मिलते हैं, कि सॉइल में मिलते हैं और ड्रेनेज वाटर में पाए जाते हैं, और इनसे कुछ डिजीज क्या करते हैं, कॉज कर देते हैं, जैसे कि हमारी जेनेटिक इन्फेक्शन वगैरह को कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम वायरसेस पढ़ेंगे, क्योंकि हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे ना, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम जो वायरसेस है मैं ड्रॉ करा दूंगी, उसके बाद लिखवा दूंगी, उसके बाद कुछ किसी को डाउट है, समझ आ गया, इधर लेके आना, अरे ड्रॉ तो करना, तो बच्चे को लो। चलो ईस्ट के बारे में बताओ, ईस्ट क्या होता है, समझ आ गया था ना तुम्हें, कोई नहीं, बताओ तो क्या होता है ईस्ट, बच्चों को बताओ क्या होता है, क्या होता है,